अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है जी। मैंने अभी समाज में चैनल देखे हैं क्रिकेट का जुर्म। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड सेकंड टी20 मैच में भी पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। ये ज़रा मैच जो है ना टॉस का हुआ था, ये थोड़ा बारिश की वजह से डिले हुआ था। तो जी पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की और न्यूजीलैंड को सॉरी आयरलैंड को पहले बैटिंग करने की दावत दी। तो बीच आयरलैंड ने 193 रन बना दिए। बीच ओवर में 7 खड़े आउट हुए। आयरलैंड के लॉर्कन टीयूसी के यार ने 50 रन बनाए। हैरी टैक्टर ने 32 रन बनाए। पाकिस्तान की जान पर शाहिद अफरीदी ने 3 और अब्बास अफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने 194 रन का टारगेट जो है ना वो चेंज किया जी 16.5 ओवर में। फखर जमान ने बनाई जी 78 रन बनाए और मोहम्मद रिजवान 75 रन से नारो रहे। आयरलैंड की जानब से ग्रीन हुम ने 1 और बेन वाइट ने भी 1 आउट किया। तो इस मैच में पाकिस्तान ने आमिर शहताब खान को बैट बिठाया और मोहम्मद आमिर को खिलाया। मोहम्मद आमिर भी एक्सपेंसिव रहे, शाहिन अफरीदी भी एक्सपेंसिव रहे। आउट तो किए, आमिर ने भी आउट किए, शाहिन अफरीदी ने भी आउट किए। अब्बास अफरीदी और नसीम शाह और इमाद हकीम ने अच्छी बॉलिंग की। सैम यू से भी ओवर कराया इस मैच में। तो जब पाकिस्तान को जब 194 रन का टारगेट मिला तो पहले तो आउट जल्दी हो गए सैम यू और बाबर आजम। तो सैम यू बाबर आजम के आउट होने के बाद फिर रिजवान ने बड़ी जिम्मेदाराना बैटिंग की। अब फखर जमान ने इस मैच में 2 रन किए जी, 2 विकटें हमारी गिर गई पावर प्ले में। और फखर जमान की बैटिंग आ गई जल्दी। फखर जमान जब बैटिंग करने आए तो जी चल रहा था पावर प्ले चल रहा था। तो फखर जमान को सेट ऑन में यानी कि सेट हो गए। पावर प्ले में है ना बैटिंग करने, पावर प्ले के बाद जो बैट्समैन बैटिंग करने आते हैं वो उसको थोड़ी मुश्किल होती है। पावर प्ले में तो सर्कल के अंदर मौजूद होते हैं फील्डर्स, इसलिए फखर जमान ने और मोहम्मद जमान ने रन करी। फिर फखर जमान आउट हुए तो फिर आजम खान आए, उन्होंने 30 रन बना दिया जी 10 गेंदों पर, नॉट आउट, 3 छक्के और 1 चौका लगाया। मैंने पहले वीडियो में ये बात की है और मैं इस वीडियो में भी ये बात करूँ, पाकिस्तान की बॉलिंग का तो हमने देख लिया रिजल्ट। पहला मैच में भी हम 183 डिफेंड कर पाए और दूसरे में भी हमने 194 रन करा दिया आयरलैंड से। ठीक है जी, बॉलिंग का तो हमें फटा नज़र आ गया। अब्बास अफरीदी के अलावा कोई अच्छा बॉलर नहीं कर रहा, यानी कि रन पड़े हैं। शाहिन अफरीदी को भी रन पड़े, आमिर को भी मार पड़ी। T20 क्रिकेट तो मार तो पड़ती है, किसी को पड़ती है, लेकिन बैटिंग में मैं ये बात कह रहा हूँ, अगर आजम खान इंग्लैंड के बॉलरों को छक्के मारेगा ना तब मैं आजम खान को मानूंगा। मैं अभी भी नहीं मानूंगा, ये एक आयरलैंड की क्या बॉलिंग है भाई, जहाँ पे तो किसी बॉलर को भी ले वो भी इनके बॉलरों को छक्के मार देंगे भाई। असल मुकाबला मैं तब देखूँगा जब आजम खान डेविड विली को छक्के मारेगा, जोफ्रा आर्चर को मारेगा, लुक वुड को मारेगा, अजय रश को मारेगा, तब मैं देखूंगा। और हमारी बॉलिंग जब उनके बैट्समैनों को आउट करेगी, जब हमारी बॉलिंग जॉनी बेस्टो को आउट करेगी, उसके बाद जॉनी बेस्टो के बाद बटलर, फिल साल्ट, मोइन अली, सैम करन, तब ये असल मुकाबला ही होने जा रहा है। न्यूजीलैंड के ना भी आप कोई नहीं भूल जाओ, आयरलैंड के खिलाफ भी आप भूल जाओ, अब इंग्लैंड के खिलाफ आप असल मुकाबला हमारे बॉलिंग का भी होगा और हमारी बैटिंग का भी होगा। इंग्लैंड में असल मुकाबला अब होगा, ना ही मुकाबला हमारा न्यूजीलैंड के खिलाफ करता और ना ही मुकाबला हमारा आयरलैंड के खिलाफ है। हमारा मुकाबला अब इंग्लैंड के खिलाफ होना है। अभी अभी वो बंदे लड़के PSL IPL खेल के आ रहे हैं, जॉनी बेस्टो, बटलर, सैम करन, मोइन अली, अब देखेंगे कैसे हम। अगर आजम खान उनके बॉलरों को छक्के मार देगा ना फिर मैं कहूँगा ठीक है ले जाओ इसको वर्ल्ड कप में। शुएब मलिक की हमें जरूरत है, शुएब मलिक को आना चाहिए T20 वर्ल्ड कप में। बाबर आजम बहुत गलती कर रहा है, मुझे नहीं पता कि शुएब मलिक को क्यों नहीं सेलेक्ट करा, लेकिन होना चाहिए उसको T20 वर्ल्ड कप।